नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण पुस्तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का द्वितीय अध्याय पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, लिंग। स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द वे होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का ज्ञान होता है, जैसे दादा, नाना, चूहा आदि। इसके विपरीत स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे मोरनी, नानी, दादी आदि। बच्चों, इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनका लिंग पहचानना हमारे लिए बहुत कठिन होता है, तो उसका लिंग हम उनकी क्रियाओं से पहचानते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इसके पीछे रहे हैं है तो ये पुल्लिंग होगा, पेड़ पुल्लिंग होगा। उसी तरह चींटी चीनी खा गई, इसके पीछे गई लगा है ई की मात्रा, ये स्त्रीलिंग होगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन शब्दों के पीछे आ की मात्रा लगी होती है वो पुल्लिंग के शब्द होते हैं, और जिनके पीछे ई की मात्रा लगी होती है, जिन क्रियाओं के पीछे ई की मात्रा लगी होती है वो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है।